अभी हम ट्रिग्नोमेट्री के अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में 6 अनुपात होते हैं, तो उनमें से सबको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग 3 अनुपात जो है उसको सीखेंगे। वो 3 अनुपात अगर हम लोग ठीक ढंग से सीख जाते हैं तो उसी पर आधार करके बाकी 3 अनुपात भी ऑटोमेटिक आप लोगों को याद हो जाएगा। इससे समझने के लिए हम लोग पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में यहाँ पर एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, और यहाँ पर देखो मैंने इस समकोण त्रिभुज में एंगल सी को मार्क किया है। यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर रेड पेन से मार्क किया है। आप लोगों को रेड पेन से कुछ मार्क नहीं करना है। आप लोग जो कॉपी में ट्रिग्नोमेट्री में जो त्रिभुज बनाएंगे उसको पेंसिल से बनाना पड़ेगा, और मार्क रेड पेन से नहीं करना है, उसको पेंसिल से ही मार्क करना है। लेकिन मार्क करना पड़ेगा, बिना मार्क के नंबर नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर हम लोग मार्क नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसका मतलब है एंगल सी के सापेक्ष में भी हो सकता है या फिर एंगल ए के सापेक्ष में भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने मार्क किया है एंगल सी को। अभी एंगल सी बार बार नहीं लिख कर आप लोग यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसका मान हमको पता नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते हैं, आमतौर पर हम लोग आप लोग एक्स भी लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, थीटा, इसे बोलते हैं थीटा, थीटा थीटा का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर अल्फ़ा का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर बीटा का भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर गामा का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थीटा का प्रयोग कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ थीटा, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात, वो है साइन थीटा हमेशा याद रखना। साइन थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण, इसे आप लोगों को याद करना है, लंब बट्टा कर्ण। साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। दूसरा, मैं थोड़ा यहाँ जगह छोड़ दे रहा हूँ, बाद में समझ में आएगा। दो नंबर, कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा जो होता है वो होता है आधार आधार बट्टा कर्ण। और थर्ड नंबर जो है वो है टैन थीटा होता है लंब बट्टा आधार। ये मेन है 3 त्रिकोणमितीय अनुपात, इसे हम लोग को याद करना है। साइन थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण, और टैन थीटा होता है लंब बट्टा आधार। अभी हम लोग यहाँ पर लंब चित्र देख के आराम से लिख सकते हैं थीटा के सापेक्ष में, क्योंकि यहाँ पर थीटा है। तो यहाँ थीटा के सापेक्ष में लंब क्या है, ए बी लंब है। ए बी क्या है यहाँ पर, ए बी जो है वो है लंब, ए बी है यहाँ पर लंब। तो ये हो जाएगा आधार, और ये क्या होगा कर्ण, ये होगा कर्ण। अभी इसको देख देख के आराम से लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लंब क्या है, ए बी, तो ये लंब हो गया ए बी, और कर्ण सबसे लंबी भुजा ए सी, ये हो गया ए सी। इसी प्रकार कॉस थीटा में आधार यहाँ पर कौन है, बी सी, और कर्ण क्या है ए सी। और टैन थीटा मतलब क्या होता है, याद करना पड़ेगा, लंब बट्टा आधार। तो लंब हम लोग चित्र देख के लिख सकते हैं, चित्र में लंब क्या है ए बी, ए बी, और आधार क्या है बी सी, बी सी। ये 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है, मतलब अनुपात, ये हमको याद करना पड़ेगा। अगर ये याद हो जाता है तो ठीक। इसका विपरीत, साइन थीटा का विपरीत होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। देखो साइन थीटा इसका उल्टा क्या होगा, कोसेक थीटा, अर्थात उल्टा मतलब इसका विलोम हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर कर्ण चला जाएगा ऊपर और लंब आएगा नीचे, तो ये हो जाएगा ए सी बट्टा ए बी, ये हो गया साइन थीटा और कोसेक थीटा। इसी प्रकार कॉस का ठीक उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा का उल्टा कर दो इसका, कर्ण कॉस थीटा का उल्टा, यानी कर्ण ऊपर जाएगा आधार नीचे आएगा आधार, ये हो गया। तो यानी कर्ण यहाँ पर ए सी बट्टा ये हो जाएगा बी सी। इसी प्रकार टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट थीटा मतलब ये हो जाएगा आधार बट्टा लम, आधार बट्टा लम। तो ये आधार यहाँ पर ये बी सी ऊपर चले जाएगा और ए बी नीचे आएगा। देखो अभी यहाँ पर साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, यानी कुल मिलाकर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमको याद करना पड़ेगा। मैं आशा करता हूँ ये सभी अनुपात को याद करके आप लोग जो
इसके बाद की जो पढ़ाई है उस पर ध्यान देंगे। अगर ये याद नहीं होता है तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसीलिए पहले इसको याद करो, याद करने के बाद ही इसके बाद का जो अभ्यास है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।